नमस्कार दोस्तों, विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फोक्सी फ्री में। लेके आया हूँ आपके लिए कमाल की जानकारी। दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप ट्रैक्टर के ऊपर भी वीडियो बनाया करें, ये भी एग्रीकल्चर मशीन में ही आते हैं। ठीक है, तो आज से मैंने स्टार्ट कर दिया ट्रैक्टर के ऊपर वीडियो बनाना। और आपके बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर ट्रैक्टर के ऊपर वीडियो बनाए, खासकर न्यू होलैंड XL 4x4 के ऊपर वीडियो बनाए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे न्यू होलैंड ट्रैक्टर के बारे में, इसकी कीमत के बारे में, इसके कार्य क्षमता के बारे में, इंजन क्षमता के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में, कैसे काम करता है और क्या क्या इसके फीचर हैं। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। दोस्तों बात करें इसकी इंजन क्षमता की, 3 सिलेंडर में ट्रैक्टर आता है, 47 HP का आता है, RPM इसके 2250 है, एयर फिल्टर आता है ऑयल बार टैंक प्री क्लीनर के साथ। PTO की अगर बात करें तो 42.65 PTO के साथ ट्रैक्टर आता है। दोस्तों बात करें ट्रांसमिशन की, तो टाइप कॉन्स्टेंट शटल के साथ है, क्लच ड्यूअल है। गियर बॉक्स की अगर बात करें तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स है। बैटरी 12V BB AH की है, अल्टरनेटर 12V 23MA MP का है। फॉरवर्ड स्पीड की बात करें 2.79 3.1.0 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। पावर टेक ऑफ की बात करें तो टाइप एपीडेट PTO। RPM की अगर बात करें तो 540 RPM RTO के साथ है। दोस्तों बात करें फ्यूल टैंक की अक्षमता की, तो 62 लीटर की अक्षमता है। लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें तो कुल वजन है 2015 kg। व्हील बेस 1965 mm, ग्राउंड क्लियर 322 mm, ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएटर 2960 mm के साथ आपको ये ट्रैक्टर मिल जाता है। लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो 1700 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी है। उठाने की क्षमता 1500 kg। 3 पॉइंट लीकेज, ऑटो ड्रॉप और गहराई नियंत्रण ADDC 3 पॉइंट लीकेज श्रेणी। दोस्तों बात करें इसके टायर की, तो व्हील ड्राइव है 4WD, सामने 6.0 × 16 × 6.0 × 16, पिछला 3.6 × 2 8 × 14 × 9 × 2 8। अन्य जानकारी की दोस्तों बात करें सामान, ट्रेल ट्रोपली कैनोपी हुक बम्फर्ड, और वारंटी की दोस्तों अगर बात करें तो 3 साल की वारंटी आपको इस ट्रैक्टर के साथ मिल जाती है। दोस्तों बात करें इस ट्रैक्टर कौन से किसानों को लेना चाहिए, तो बड़े किसानों के लिए ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, या फिर आप इस ट्रैक्टर से बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत ही कमाल का लोड खींचता है और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टर है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो किसान भाइयों को शेयर करें।